हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम ही के हाल चाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा, मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर व्हिच अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम प्रिकॉशियस डेवलपमेंट या फिर एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शायद हमने एंडोस्पर्मिक वर्ड यूज किया था, वो फ्लो फ्लो में रॉन्ग हो गया। सो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, बेटर टू से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में, बेटर टू से ओवर द पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। और हमने आपको यह भी बता दिया है कि जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट, हमने लास्ट बोला लेकिन हमने लिखा था लार्ज, मैंने देखा था तो जो है प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट जिम्नोस्पर्म है। हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर जिम्नोस्पर्म में कोन या स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट होता है बताया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल कोन मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड, और माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल करेगा, मियोसिस बनाएगा, माइक्रोस्पोर डेवलप होगा पॉलन ग्रेन में और फर्दर जो है माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन दो सीलिएटेड या फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स बनाएगा। और जब जो है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम पॉलन सैक भी नाम दे सकते हैं, जब माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन वो डेवलप हो रहा होगा तो पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन भी होता है इन द जिम्नोस्पर्म। टिपिकली विंड पॉलिनेशन एनोमोफिलस होता है, केवल और केवल विंड पॉलिनेशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल कोन, ओव्यूलेट कोन, मेगास्पोरेंजिएट कोन, मेल को हम जो है माइक्रोस्पोरेंजियम कोन या पॉलन कोन भी नाम दे सकते हैं। वेल फीमेल कोन मेड अप ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल जिसके पास होता है ओव्यूल या एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम में ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होता है, करेगा मियोसिस, बनाएगा चार मेगास्पोर, तीन मेगास्पोर का डीजनरेशन होगा, लेफ्ट वन मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर के जैसा एक्ट करेगा और ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगा मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म में, जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करेगा जिसके पास आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया में लिड सेल और नेक कैनाल सेल एब्सेंट होगा। आर्चिगोनिया में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, आर्चिगोनिया दो या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन आएगा, ओव्यूल पर फॉल डाउन होगा, पॉलन ट्यूब बना के वो फर्टिलाइजेशन करेगा, मेल गैमेट को कैरी करेगा आर्चिगोनिया में प्रेजेंट एग सेल तक। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना के मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको हम साइफोनोगैमी बोलते हैं। सो लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू कैरी होगा, जॉइडो और साइफोनोगैमी दोनों होगा। हायर जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल साइफोनोगैमी होगा। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बाद में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है। ओव्यूल के अराउंड ओवरी एब्सेंट होता है, हम जिम्नोस्पर्म को फैनरोगैम्स विदाउट ओवरी या फैनरोगैम्स विदाउट फ्रूट बोलते हैं। तो जो सीड बनेगा वो नेकेड एक्सपोज्ड टाइप का बनेगा, Not covered within fruit wall. इतनी सारी बातें वर्बली हमने आपको बताया था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने आपको बोला था, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म डिटेल में समझाने वाला हूं बाय टेकिंग रिप्रेजेंटेटिव प्लांट ऑन द नेम ऑफ साइकस। कोई कोई पाइनस के थ्रू भी लाइफ साइकिल बताता है, मैं साइकस के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं जिम्नोस्पर्म का। नीड योर फुल अटेंशन प्लीज, देखिएगा। सो साइकस
साइकस को हम फर्म पाम भी नाम देते हैं, समझिएगा प्लीज। साइकस को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्न पाम हैविंग करेक्टर्स ऑफ बोथ फर्न एंड पाम, बट इट इज नॉट ट्रू पाम। जैसे अपना कोकोनट पाम होता है, डेट पाम होता है, जो बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म को, उसके जैसा ये ट्रू पाम नहीं है। पाम का मतलब अनब्रांच्ड स्टेम होता है और स्टेम के टिप पर पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, वैसा ही ये भी साइकस अनब्रांच्ड होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा। वेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सागो पाम ट्री एज अ टाइप ऑफ स्टार्च कॉल्ड सागो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। सागो एक टाइप का जो है स्टार्च है, जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम साइकस के ट्री से, स्टेम से, इसलिए हम इसको सागो पाम भी बोलते हैं। नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं यहां पर। साइकस इज लिविंग फॉसिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेलिक ऑफ पास्ट। ये हमें पास्ट की याद दिलाता है जिसका प्रेजेंट में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे टाइपराइटर सुना होगा, टाइपिंग करते हैं जो है, टाइपराइटर रिप्रेजेंट रिलिक ऑफ पास्ट, क्योंकि टाइपराइटर हमें पास्ट का याद दिलाता है जिसका प्रेजेंट में कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है। ऐसे ही ये जो साइकस है, इसके पास फर्न और पाम दोनों का करेक्टर है, ये लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी फ्यू मेंबर ऑफ द साइकस, वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ द साइकस, दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अबाउट टू एक्सटिंक्ट है। साइकस बिलोंग्स टू ऑर्डर साइकडेल्स, जिसमें मच मोर मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। साइकस एक लिविंग फॉसिल के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। बात यहां तक क्लियर है, पक्का? ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। साइकस इज डायोसियस प्लांट, मेल कोन एंड फीमेल कोन नहीं बोलूंगा, फीमेल लैक्स बोलूंगा मैं यहां पर, फीमेल लैक्स डेवलप ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। साइकस डायोसियस प्लांट है, सागो पाम, फर्न पाम, रेलिक ऑफ पास्ट, इसको हम जो है नाम दिए हैं। इट रिप्रेजेंट लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के नाम पर साइकस, आगे जाके जिंगो आएगा और आगे जाके मेटासिकोय आएगा। तीन जिम्नोस्पर्म के ऐसे मेंबर का मैं नाम मेंशन करूंगा, एक का कर चुका हूं साइकस, देन जिंगो और जो है मेटासिकोय, तीन जिम्नोस्पर्म के मेंबर, दे कॉल्ड द लिविंग फॉसिल। बात आगे ले चल रहा हूं, ये रहा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब डायग्राम के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ साइकस के नाम पर हम ऑल द टर्म्स, ऑल द कंडीशन अबाउट जिम्नोस्पर्म समझेंगे। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। साइकस एक कॉर्डेक्स प्लांट रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने अनब्रांच्ड स्टेम ऑफ साइकस, ये रहा इसका टैप रूट रिप्रेजेंट कर लिया, अनब्रांच्ड स्टेम ऑफ साइकस टैप रूट रिप्रेजेंट कर लिया, और इसके टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिनेटली कंपाउंड लार्ज लीफ। इसके टिप पर फर्न के जैसा साइकस के पास दो करेक्टर है, इसके पास मैक्रोफिलस लीफ है, इसके पास लार्ज लीफ है, मैक्रोफिलस लीफ है। लीफ इन मैच्योर कंडीशन में सर्सिनेट टैक्सिस,
या क्लॉकवाइज रोलिंग सर्सिनेट वर्नेशन शो करता है। और यहां पर पिनेटली कंपाउंड लीप्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, पाम के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये पाम के जैसा इसके पास पिनेटली कंपाउंड लार्ज लीप्स है, पिनेटली कंपाउंड लार्ज लीप है। साइकस में बात ध्यान देना, मेल साइकस प्लांट अलग होगा, फीमेल साइकस प्लांट अलग होगा, याद रखिएगा। सो मेल और फीमेल साइकस प्लांट अलग होते हैं, इसीलिए तो हमने इसको बोला डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्राउन ऑफ लीव्स, रिप्रेजेंट हो रहा है क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड मैक्रोफिलस लीफ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अनब्रांच्ड स्टेम। तो यहां पर है क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड मैक्रोफिलस या मेगाफिलस भी बोलते हैं, मैक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अनब्रांच्ड स्टेम। तो सुनिएगा, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्टेम, आई नीड योर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूं, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्टेम देयर इज रिमेन ऑफ फॉलन लीफ। लीफ किसी जमाने पर यहां पर भी था, किसी जमाने पर यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था, किसी जमाने में यहां पर भी था, हमेशा लीफ टिप पर होता है। जैसे 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 प्लांट का हाइट, स्टेम का हाइट ग्रो होता जाता है, वैसे वैसे ओल्ड लीफ दे गेट फॉल और लीफ के बेस का स्कार या निशान हमें थ्रू आउट लेंथ ऑफ लीफ विल गेट स्कार ऑफ लीफ। ये स्कार ऑफ लीफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर किसी जमाने में लीफ था। सो ओवर द स्टेम देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्कार्स ऑफ लीफ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी यहां पर पेटियोल या लीफ बेस, बेटर टू से कभी यहां पर लीफ बेस था। पिनेटली कंपाउंड लीव्स का लीफ बेस इस पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच्ड था। ये यहां पर मैंने ड्रॉ किया, लीफ स्कार नाम देते हैं ये जो मैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट लीफ स्कार, लीफ स्कार्स, रिमेन ऑफ फॉलन लीव्स। एक पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूंगा इस लीफ स्कार के क्रिवाइसिस पर, लीफ स्कार के बीच बीच में जो दरार है, जो क्रिवाइसिस है, वहां पर एक मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड होता है जिसको हम बल्बिल नाम देते हैं। बल्बिल का डिटेल स्टोरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th में पहले चैप्टर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम पर आएगा। तो ये यहां पर प्रेजेंट एट द क्रिवाइसिस ऑफ द लीफ स्कार्स, प्रेजेंट एट द क्रिवाइसिस ऑफ लीफ स्कार देयर आर मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड्स। इस मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड्स को हम नाम देते हैं बल्बिल, ठीक है। तो ये यहां पर रखा मैंने बल्बिल, मल्टी सेलुलर फ्लेशी बड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इफ द बल्बिल गेट डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉल ऑन द ग्राउंड इन फेवरेबल कंडीशन, ये फ्लेशी बड जर्मिनेट होके नया साइकस का प्लांट बना सकता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, पॉइंट समझा। ये यहां पर है मेल साइकस, ये मैं मेल साइकस प्लांट की बात कर रहा हूं। मेल साइकस में
मेल साइकस में एट द टिप ऑफ द मेल साइकस एट द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द साइकस जो क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स है इनके बीच में इनके सेंटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल कोन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल कोन तो ये मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू और ये इसका एक्सिस हो गया ठीक है मेल कोन अपने स्टॉक के थ्रू समवाट ये 20-80 सेंटीमीटर लेंथ का हो सकता है ओ कोन शेप का या कहीं कहीं पर ओवल शेप का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है सो यहां पर है कोन शेप या समवाट ओवल शेप कोन शेप्ड या समवाट ओवल शेप्ड वुडी स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड ओवरलैपिंग कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स कंपैक्टली अरेंज्ड स्पाइरली ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स तो इसको हमने नाम दिया मेल कोन इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेल कोन ध्यान से देखिएगा समझिएगा सुनिएगा इस मेल कोन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला स्टॉक ठीक है और ये जो है रिप्रेजेंट हो रहा है सेंट्रल एक्सिस और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये रिप्रेजेंट हो रहा है ओवरलैपिंग कंपैक्टली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स नेल कोन इट इज वुडी स्ट्रक्चर मेल कोन इट इज अ काइंड ऑफ वुडी स्ट्रक्चर ठीक है सो मेल साइकस का मैंने यहां पर डायग्राम रिप्रेजेंट किया स्पोरोफाइट प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू वन ब्रांच स्टेम टैप रूट पिनेटली कंपाउंड माइक्रोफिलस प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द अनब्रांच स्टेम एट द इन द सेंटर ऑफ दिस क्राउन ऑफ लीफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेल कोन और कहीं कहीं पर मेंशन है कि मेल कोन ये जो ग्रोथ पॉइंट होता है या एपिकल मेरिस्टेम होता है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है उसी से डेवलप हो रहा है मेल कोन फिलहाल नॉट नेसेसरी तो ये रहा जो है साइकस मेल साइकस की स्टोरी ठीक है अब इरेज करके मैं मेल कोन को बाहर निकालता हूं फिर मेल कोन से मैं स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं ये मैंने रिप्रेजेंट किया मेल साइकस यहां तक क्लियर है पक्का लीफ स्कार बल्बिल एवरीथिंग क्लियर है इरेज कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर हमने एक मेल कोन को बाहर निकाला हमने एक मेल कोन का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया सो इधर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड ओवरलैपिंग अराउंड द सेंट्रल एक्सिस स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स तो ये यहां पर हमने माइक्रोस्पोरोफिल्स का कंपैक्ट अरेंजमेंट शो किया ये सेंट्रल एक्सिस है सो टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज मेल कोन टू दिस ग्रीन स्ट्रक्चर आई एम कॉलिंग एज माइक्रोस्पोरोफिल ठीक है मैं एक माइक्रोस्पोरोफिल को बाहर जूम आउट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा ये एक माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाला तो एक माइक्रोस्पोरोफिल समवॉट कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं मैं ब्रॉड होता है बेस पर और टिप पर पॉइंटेड होता है ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर लोअर बेसल पार्ट पर
बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम रैंडमली प्रेजेंट है एट डायक्सिल बोलते हैं हम, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है ना। सो ये यहां पर एक माइक्रोस्पोरोफिल मैंने बाहर लिया, माइक्रोस्पोरोफिल पॉइंटेड टुवर्ड्स द टिप ब्रॉड एट द अपेक्स, और माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है यहां पर, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स ड्यू टू ओवरलैपिंग स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। जो लैंग्वेज मैं यहां पर रख रहा हूं वो है लोअर फर्टाइल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, या माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर लिया, अब ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये यहां पर हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम का ये वॉल हो जाएगा, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम इंटरनली इट हैज मेनी डिप्लॉइड सेल्स, इट हैज ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स में ईच सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज फिल्ड विथ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इंटरनली। इसको एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में हम स्पोरोजेनस टिश्यू भी नाम देंगे, बोले यहां पर वो लैंग्वेज ना रख के सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम हैविंग ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट ओवर फर्टाइल रीजन ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल टूवर्ड्स बेसल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, या ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल के लैंग्वेज में ऑन द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम इंटरनली फिल्ड विथ ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, ईच सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने यहां पर एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये रहा एक माइक्रोस्पोर। अब ये एक माइक्रोस्पोर माइटोमियोसिस करेगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल इट विल गो फॉर मियोसिस, इट विल गो फॉर मियोसिस एंड मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो फोर माइक्रोस्पोर्स, फोर माइक्रोस्पोर्स अटैच्ड विथ वन अनदर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें से मैंने एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया, माइक्रोस्पोर को, एक माइक्रोस्पोर को मैंने बाहर जूम आउट किया, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा फर्दर। ऐसे मैं एक के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आपको सबके लिए सेम स्टोरी अप्लाई करना पड़ेगा। एक माइक्रोस्पोर ये मॉडिफाई और मैच्योर होगा दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सो माइक्रोस्पोर ये मैच्योरेशन करेगा, माइक्रोस्पोर ये मैच्योरेशन और मॉडिफिकेशन करेगा, मैच्योरेशन एंड मॉडिफिकेशन करेगा। ये पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की स्टोरी सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर आएगा, वहां पर पॉलन ग्रेन कैसे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में जो है कन्वर्ट होता है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, बहुत सारी बातें होंगी। वेल जब ये माइक्रोस्पोर मेच्योर और मॉडिफाई होगा तो ये अपने ऊपर, जब ये माइक्रोस्पोर
मैच्योर और मॉडिफाई होगा तो ये अपने ऊपर दो कवरिंग बनाएगा, एक कंटिन्यूअस कवरिंग जिसको मैं नाम दे रहा हूं एंटाइन, और उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस कवरिंग जिसको एक्जाइन नाम देंगे। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वर्ड ना यूज करके सिंपली माइक्रोस्पोर रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल लेटरली by synthesizing two layers, by forming two layers, just above the microspore there is entine, or entine के ऊपर there is presence of exine, discontinuous layer है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं यहां पर। सो exine और entine का फॉर्मेशन होगा, exine और entine के फॉर्मेशन के बाद the microspore converted into pollen grain, इसलिए microsporangium it is also called It is also called pollen sac. जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर के होने की बात होगी तब तक ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दिया जाएगा, और जब माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा एक्जाइन और एंटाइन अपने ऊपर सिंथेसाइज करके पॉलन ग्रेन में, तब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक नाम देंगे। So, दोनों सिमिलर है तो ये यहां पर बना एक्जाइन, उसके नीचे रेड कलर का एंटाइन, उसके नीचे जो है माइक्रोस्पोर का सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्टर रहेगा। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर टेट्राड में ईच माइक्रोस्पोर को क्या मैं बोलूं, माइक्रोस्पोर इट इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जैसे मैंने बोला वैसे दिमाग में क्या आएगा, ये स्ट्रक्चर मेल गैमेट बनाएगा। अब माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए पहला स्टेप लिया, अपने आप को मॉडिफाई किया, थोड़ा मैच्योर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट आया, फिलहाल के लिए नहीं आया, तो इसके लिए इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मैच्योर हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। जब तक फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जब तक मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं माना जाएगा। सो मेल पोर से माइक्रोस्पोरोफिल के पास था माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी डिप्लॉइड सेल हैं, ईच एंड एवरी डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैंने, क्योंकि जब मैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के लैंग्वेज में बात करूंगा तो ओव्यूल के अंदर जितने भी डिप्लॉइड सेल होंगे उनमें से केवल एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। बट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल द सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑल द सेल मियोसिस करके बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऑल द माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन में, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम या इनसाइड द पॉलन सैक। माइक्रोस्पोर बन चुका है, अभी ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट, तो सुनिएगा, माइक्रोस्पोर का कन्वर्जन पॉलन ग्रेन में इट इज स्टिल अकरिंग इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज स्टिल प्रेजेंट एट द बेसल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल विच इज स्टिल पार्ट ऑफ द मेल कोन, एंड मेल कोन इट इज स्टिल द पार्ट ऑफ मेन स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो क्या मैं बोलूं, माइक्रोस्पोर जो कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसका डेवलपमेंट जर्मिनेशन एक्सेट्रा पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही हो रहा है। सो माइक्रोस्पोर द मेल गैमेटोफाइट का ग्रोथ डेवलपमेंट मैचुरेशन जर्मिनेशन एवरीथिंग अकरिंग ओवर द पेरेंट स्पोरोफाइट, दिस मेल गैमेटोफाइट इट इज कंप्लीटली डिपेंड ओवर द पेरेंट स्पोरोफाइट। मेंशन कर देते हैं फ्लो में, ठीक है। सो मेल गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड
कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ये माइक्रोस्पोर का खुद का वॉल है, सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया जा सकता है माइक्रोस्पोर के खुद के कवरिंग को। उसके ऊपर ये प्रेजेंट है एंटाइम, के ऊपर ये प्रेजेंट है एक्जाइम। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए अब करेगा माइटोसिस। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ये करेगा माइटोसिस। थोड़ा देखिए, यहां पर देखिए माइटोसिस होगा, चार बार माइटोसिस होगा, फाइव सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फाइव सेल्ड मेच्योर पॉलन ग्रेन कॉल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला माइटोसिस हुआ, दो सेल बना, पहला माइटोसिस हुआ दो सेल बना, एक सेल का नाम हम देंगे प्रोथेलियल सेल, दूसरे सेल का नाम हम देंगे एंथेरिडियल सेल, प्रोथेलियल सेल और दूसरा सेल एंथेरिडियल सेल। ठीक है, पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हुआ, हमें मिला टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, एक सेल को प्रोथेलियल सेल, दूसरे सेल को एंथेरिडियल सेल हमने नाम दिया। नाउ एंथेरिडियल सेल में होगा सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस किस कौन से सेल में होगा, एंथेरिडियल सेल में। तो यहां पर सेकेंड माइटोसिस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, एक तो प्रोथेलियल सेल है ही, एक बन जाएगा ट्यूब सेल और दूसरा बन जाएगा जनरेटिव सेल। सो ये यहां पर देखो तो सही, प्रोथेलियल सेल है, एक सेल अब बन जाएगा ट्यूब सेल और दूसरे सेल को हम नाम देंगे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, नाउ थर्ड माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में, कौन से सेल में, जनरेटिव सेल या जर्म सेल में थर्ड माइटोसिस होगा। नेटवर्क फुल अटेंशन यहां पर। सो थर्ड माइटोसिस अकर्स इन जनरेटिव सेल। तो ये कुछ ऐसा है, पॉलन ग्रेन एक प्रोथेलियल सेल है, एक ट्यूब सेल है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ तो एक सेल बन जाएगा स्टॉक सेल और दूसरा सेल बन जाएगा बॉडी सेल। बात समझिएगा, यहां पर ये है प्रोथेलियल सेल, ये है ट्यूब सेल, अब एक सेल बन जाएगा स्टॉक सेल और दूसरे सेल को हम नाम देंगे बॉडी सेल, दूसरे सेल को हम नाम देंगे बॉडी सेल। और ये बॉडी सेल करेगा फोर्थ माइटोसिस, बॉडी सेल करेगा फोर्थ माइटोसिस, फोर्थ माइटोसिस इन बॉडी सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू लार्जेस्ट, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू लार्जेस्ट टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड मेल गैमेट्स। सुनो सुनो, सो नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ, ये है पॉलन ग्रेन, इसमें ये हो गया एक प्रोथेलियल सेल, ये हो गया दूसरा ट्यूब सेल, ये हो गया तीसरा स्टॉक सेल और बॉडी सेल में हुआ माइटोसिस, फोर्थ माइटोसिस। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड, टॉप शेप्ड लट्टू के जैसा, भौंरा या लट्टू आपने सुना होगा, देखा होगा, नचाया होगा। सो भौंरा या टॉप शेप्ड दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ मल्टीसिलिएटेड, लार्जेस्ट मेल गैमेट होता है साइकस के पास, बात पकड़िएगा। तो अच्छा, इसके ऊपर
इसके ऊपर ये एज यूजुअल एंटाइम तो होगा ही, और इसके ऊपर एज यूजुअल एग्जाइम तो होगा ही। डिसकंटिन्यूअस कवरिंग होता है एग्जाइम, हम बाद में जो है एंजियोस्पर्म या सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लैंग्वेज में समझेंगे। तो ये है प्रोथेलियल सेल, ये है ट्यूब सेल, ये है स्टॉक सेल, और ये है टू लार्जेस्ट टॉप शेप्ड मल्टीसीलिएटेड मल्टीसीलिएटेड मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स हमने बना लिए। तो ये है दिस रिप्रेजेंट मैच्योर पॉलन ग्रेन, दिस रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यहां पर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल का है जल्दी से बताइए, फाइव सेल, हाईली रिड्यूस्ड या वेरी रिड्यूस्ड बोल सकते हैं। वेल, इससे भी ज्यादा गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा एंजियोस्पर्म में, जहां पर मेल गैमेटोफाइट केवल और सिर्फ 3 सेल का होगा, हाईली या वेरी बोलो, वेरी रिड्यूस्ड। कनेक्टिविटी समझिएगा, जैसे जैसे जो है एवोल्यूशन होता जा रहा है प्लांट किंगडम में, वैसे वैसे स्पोरोफाइट एडवांस होता जा रहा है और गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है। बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्पोरोफाइट आया था टेडोफाइटा, उससे ज्यादा एडवांस हुआ स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म में। टेडोफाइटा में गैमेटोफाइट प्रोथैलस के फॉर्म में था मल्टीसेलर, यहां पर तो देखो यहां पर तो जो है 5 सेल का, ठीक है। यहां पर एक बात और मेंशन कर दे, दो बात थोड़ा सुनिएगा, विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पंच दे रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अकर्स एट 3 सेल्ड स्टेज, ये बहुत 3 सेल्ड स्टेज। सो जब दो बार माइटोसिस हो गया होगा, पहला माइटोसिस पॉलन ग्रेन में और दूसरा माइटोसिस एंथ्रीडियल सेल में, और आया होगा 3 सेल्ड स्टेज, जिसमें एक प्रोथेलियल सेल, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल, इसी स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रेक होगा। इसी स्टेज में मेल कोन जो कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज स्पोरोफिल थे, दे बिकम लूज, दे गेट एक्सपोज, ये लूज हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है बस्ट होगा, ब्रेक होगा, पॉलन ग्रेन का विंड पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अकर एट 3 सेल्ड स्टेज ड्यू टू लूजनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड ब्रेकिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बात ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रेक हुआ, 3 सेल स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हुआ, तो जमीन पे नहीं गिरा, इट विल फॉल ओवर द ओव्यूल और फर्दर डेवलपमेंट फीमेल स्पोरोफाइट पर होगा। थ्री सेल्ड स्टेज तक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेल स्पोरोफाइट प्लांट पर होगा। 3 सेल के बाद 4 सेल्ड एंड 5 सेल्ड स्टेज थर्ड माइटोसिस और फोर्थ माइटोसिस होगा फीमेल स्पोरोफाइट पर। बात समझ के रखिएगा, याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। सो अप टू 3 सेल्ड स्टेज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन साइकल्स अकर्स ओवर द मेल स्पोरोफाइट मदर प्लेस पर होगा, जहां पर जो है बना, और उसके बाद 3 सेल के बाद फर्दर जो है डेवलपमेंट फीमेल स्पोरोफाइट पर होगा।
बात समझा, ठीक है। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं अप टू थ्री सेल्ड स्टेज, अप टू थ्री सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन डेवलप्स एट मदर प्लेस, एट मदर प्लेस। मदर प्लेस का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम या मेल कोन या मेल प्लांट या मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। बाकी फर्दर डेवलपमेंट विल अकर ओवर द फीमेल प्लांट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर्स ओवर फीमेल प्लांट। बातें क्लियर है, पक्का क्लियर है। सो साइकस में फाइव सेल का मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। यही पॉइंट हम और एक मेंशन कर देते हैं, इन पाइनस सिक्स सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसकी स्टोरी हमें नहीं जानना है। सो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट पाइनस में सिक्स सेल का होगा। और पाइनस में एक और पॉइंट में मेंशन करूंगा आगे, पाइनस में पॉलन ग्रेन विंग्ड होते हैं, आउटग्रोथ ऑफ जाइन फॉर्म्स विंग्स इन द पॉलन ग्रेन ऑफ द पाइनस। यहां तक का बात समझा, पक्का बात समझा कि नहीं? कैसे मैंने जो है पूरा स्टोरी मेल प्लांट मेल साइकस से रिलेटेड स्टोरी, सो थ्री सेल स्टेज में पहुंच चुका है द पॉलन ग्रेन ओवर द ओव्यूल। करके कुछ और बात मेंशन कर लेते हैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। इन पाइनस पॉलन ग्रेन इज विंग्ड, हैविंग विंग्स लाइक स्ट्रक्चर formed due to outgrowth या overgrowth बोल दो, outgrowth of exine। और एक बात बोल दूं, in pinus male gametes are non-flagellated। दो ही मेल गैमेट बनेंगे बट नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। इन साइकस, इन साइकस मेल गैमेट इज लार्जेस्ट, कहीं कहीं परमेंशन है 300 माइक्रोमीटर तक लेंथ हो सकता है। तो लार्जेस्ट मेल गैमेट साइकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ये यहां पर है माइक्रोस्पोर का सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये मैंने बनाया एंटाइन, ये यहां पर हमने बनाया एंटाइन, और एंटाइन के बाद ये यहां पर हमने बनाया एक्जाइन। तो ये विंग्ड पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये कुछ जो मैंने एक्जाइन रिप्रेजेंट आउटग्रोथ ऑफ द सॉरी विंग्स रिप्रेजेंट आउटग्रोथ ऑफ द एक्जाइन, ये हो गए विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्जाइन का ही आउटग्रोथ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विंग्ड पॉलन ग्रेन। पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं जिसको मैं डिस्क्लोज करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या जब थोड़ी देर में जब मैं फीमेल के बारे में बात करूंगा। पॉलन ग्रेन ऑफ आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन डायरेक्टली फॉल इन द पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल, पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल दैट इज एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंटेड
मेगास्पोरेंजियम डायरेक्टली फॉल इन द पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल ऑफ फीमेल कोन या फीमेल लैक्स, फीमेल लैक्स लूजली अरेंज्ड या फीमेल कोन। यहां पर डायरेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, मैं पहले भी बताया हूं। स्टिग्मा के ऊपर जब जो है ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, जनरली पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा, बट यहां पर तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एब्सेंट है, डायरेक्ट जो है ओव्यूल पर गिरना इट इज कॉल्ड डायरेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है, कॉल्ड डायरेक्ट पॉलिनेशन। अब ये पॉलन चैम्बर क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर समझने के लिए फीमेल साइकस के बारे में। मेल साइकस की पूरी बातें हो गई, ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चलते हैं। ये यहां पर है फीमेल साइकस का अनब्रांच्ड स्टेम। फीमेल साइकस में ये मैंने बनाया टैप रूट, एज यूजुअल यहां पर भी होगा क्रिवाइस, सॉरी यहां पर भी होगा प्रेजेंस ऑफ क्राउन ऑफ लीफ, बट उसके पहले देयर इज लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल रोज के पेटल्स के जैसा लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स होंगे एट द टिप ऑफ द अनब्रांच्ड स्टेम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फीमेल लैक्स, ठीक है। बाकी ये यहां पर ऐसे इन जनरल बना दे रहे हैं क्राउन ऑफ लीव्स, तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया क्राउन ऑफ लीव्स पिनेटली कंपाउंड, क्राउन ऑफ लीफ हो गया। ज्यादा डिटेल में यहां पर ड्रॉ करके टाइम पास होगा, तो क्यों टाइम पास किया जाए, ये हो गए लीफ स्कार्स दैट रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ द फॉलन लीफ दैट रिप्रेजेंट किसी जमाने में यहां पर लीफ अपने लीफ बेस के थ्रू अटैच्ड रहा होगा। तो ये है फीमेल साइकस। फीमेल साइकस में इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फीमेल लैक्स, फीमेल लैक्स, ठीक है। ज्यादा बातें ना करके फीमेल लैक्स को मैं जूम आउट कर रहा हूं, तो यहां पर एट द टिप ऑफ अनब्रांच्ड स्टेम लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक मेगास्पोरोफिल्स हैं, लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक मेगास्पोरोफिल्स है। तो ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया मेगास्पोरोफिल्स का लूज अरेंजमेंट, जिसको हमने नाम दिया फीमेल लैक्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल लैक्स, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सो फीमेल लैक्स रोजेट लाइक लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स को हम पाइनस के लैंग्वेज में ओव्यूलिफेरस स्केल्स नाम देते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल्स का जस्टिफिकेशन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, बट पाइनस में मिलता है, आपको याद रखना होगा। इन पाइनस मेगास्पोरोफिल्स ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल्स। सो पाइनस के पास ओव्यूलिफेरस स्केल होता है, पाइनस के पास विंड पॉलन ग्रेन होता है, और पाइनस के पास नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। इतनी बातें तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा ये जो फीमेल लैक्स है रोजेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ द मेगास्पोरोफिल के एक्सिल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम,
ठीक है, हर एक मेगास्पोरोफिल के एक्सिल पर कहीं कहीं पर टू या मोर देन टू हो सकता है, ठीक है। सो टू और मोर मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया विच इज कॉल्ड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो अब मैं ओव्यूल को जूम आउट कर रहा हूं, समझेंगे अच्छे से। तो ये यहां पर है मेगास्पोरोफिल और ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल। बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इसको, बात समझिएगा मेरी। यहां पर मैं देख रहा हूं, जो है समझा रहा हूं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर में द कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट, स्पेशल कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट। यहां पर ये मैंने बनाया एक ओव्यूल। द एंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल इट इज नॉट कंप्लीट एट अ पॉइंट, ओव्यूल लीव्स अ गैप एंड दैट गैप दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंटेगुमेंट यहां पर, एंटेगुमेंट यहां पर थ्री लेयर्स का होगा, सिंगल एंटेगुमेंट वन टू एंड थ्री, सिंपल बना रहा हूं ज्यादा डिटेल में नहीं। सो तीन लेयर में एंटेगुमेंट डिवाइड होते हैं, साइकस में या जनरली जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल यूनिटेगमिक थ्री लेयर्ड का होता है, यूनिटेगमिक थ्री लेयर्ड का। चलो पूरा फिर ब्लू ही कर देते हैं, समझेंगे अच्छे से, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिंगल एंटेगुमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, देखिएगा। तो ये है आउटर थिन लेयर, आउटर थिन लेयर के बाद यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं मिडल थिक लेयर और उसके नीचे इनर अगेन थिन लेयर। ये तीनों लेयर दे रिप्रेजेंट एंटेगुमेंट, दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट, एंटेगुमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, एंटेगुमेंट कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कैसा है, ओव्यूल है यूनिटेगमिक, एक एंटेगुमेंट विथ थ्री लेयर, यूनिटेगमिक हैविंग हैविंग थ्री लेयर्स, यूनिटेगमिक मतलब सिंगल एंटेगुमेंट। ठीक है, एंटेगुमेंट यहां पर सिंगल। द एंटेगुमेंट इट इज नॉट कंप्लीट, द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इट इज नॉट कंप्लीट एट अ प्लेस, इट इज लीविंग स्मॉल टाइनी गैप, द स्मॉल टाइनी गैप इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल। ठीक है, सो यहां पर एंटेगुमेंट इज नॉट कंप्लीट, याद रखिएगा, एंटेगुमेंट इज नॉट कंप्लीट फॉर्मिंग अ पोर। ठीक है, तो इट इज अ पोर, पोर एट द टिप ऑफ ओव्यूल, ये टिप पर है, समझ के रखिएगा। माइक्रोपाइल टर्मिनल इन पोजिशन होता ही है, समझ के रखिएगा। दिस दिस सॉलिन पार्ट इट इज कॉल्ड चलाजा, इट इज कॉल्ड चलाजा, सॉलिन सॉलिन बेसल या लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ ओव्यूल। एंड टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल कॉल्ड फ्यूनिकुलस,
फ्यूमिकुलस एन ओव्यूल इट इज कवर्ड बाय सिंगल कवरिंग कॉल्ड एंटेगुमेंट द सिंगल कवरिंग ऑफ ओव्यूल दैट इज एंटेगुमेंट डिवाइडेड इंटू आउटर थिन मिडल थिक एंड इनर थिन लेयर थ्री लेयर्स में होंगे द एंटेगुमेंट इट इज इनकम्प्लीट लिविंग अ स्मॉल टाइनी गैप पोर अपर्चर स्लिट एट द टिप दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल The swollen part of the ovule, it is representing basal part, which is called chalaza, and the stalk of ovule called funiculus. ये है एक ovule. थोड़ा देखिएगा, this ovule, it is straight ovule, not having curvature. ठीक है? In gymnosperm, ovule does not have curvature. It is not curved. ठीक है ओव्यूल इज स्ट्रेट और स्ट्रेट टाइप के जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को स्ट्रेट टाइप के जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल नाम देते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल है याद रखिएगा प्लीज समझ के रखिएगा द टाइप ऑफ ओव्यूल इन द जिम्नोस्पर्म स्ट्रेट ओव्यूल जहां पर माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में प्रेजेंट है को हमने बोला ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ना सुनो ध्यान दो सुनो तो सही सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं इंटरनली इनसाइड द ओव्यूल देयर इज मास ऑफ इंटरनली इनसाइड द ओव्यूल देयर इज मास ऑफ डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल कलेक्टिवली कॉल्ड म्यूसेलस mass of या group of diploid parenchymatous cells collectively called new cells ठीक है सो ये है यहां पर group of diploid parenchymatous cells तो हमने नाम दिया यहां पर न्यू सेल्स ऐसा कोई भी नाम नहीं होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वाले सेल को माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू के ईच एंड एवरी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा बात देखिए माइक्रोपाइल के नीचे सुनिए देखिए यहां पर देखो तो सही माइक्रोपाइल के नीचे और न्यूसिलस के ऊपर द एरिया माइक्रोपाइल के नीचे न्यूसिलस के ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर हम क्या बोलते हैं न्यूसिलस के ऊपर और माइक्रोपाइल के नीचे वाले एरिया को पॉलन चैम्बर में होता है पॉलन ड्रॉपलेट ठीक है और पॉलन ड्रॉपलेट में ही फंसे हैं पॉलन ड्रॉपलेट ही जो है चिपका के रखा है जो पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन कितने सेल में पॉलिनेट हुए थे 3 सेल्स में तो ये यहां पर पता चला कहां पर यहां पर पॉलन ग्रेन गिरे हुए हैं विंड पॉलिनेशन के पास तो मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया न्यूसेलस समझेगा प्लीज न्यूसेलस ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ ओव्यूल ठीक है और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फॉलन चैम्बर ठीक है लिख सकते हैं बिलो Part of ovule below micropyle and above nucellus. Above nucellus, having
पॉलन ड्रॉपलेट, हैविंग पॉलन ड्रॉपलेट्स, स्टिकी इन नेचर है, ठीक है, एक्ट एज ट्रैपिंग, एक्ट एज ट्रैपिंग मटेरियल एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेगा, ठीक है। सो विंग विंड पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन गिरे हैं पॉलन चैम्बर में डायरेक्टली। पॉलन चैम्बर कहां एग्जैक्टली होता है? न्यूसलस के ऊपर और माइक्रोपाइल के नीचे। यहां पर देर आर सो मेनी डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट इन साइड द न्यूसलस, केवल और केवल एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट होता है। इस फर्टाइल सेल को हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल रिप्रेजेंट फर्टाइल सेल ऑफ द न्यूसलस, रेस्ट ऑफ द सेल ऑफ न्यूसलस दे आर सिंपली प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे आर सिंपली स्टराइल सेल्स बोले जा सकते हैं। सो ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। कहीं कहीं पर यह भी मेंशन किया गया है न्यूसलस इट इज इक्विवेलेंट टू, न्यूसलस इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, न्यूसलस इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो न्यूसलस इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम सराउंडेड बाय स्पेशल कवरिंग कॉल्ड एंटेगुमेंट। तो ओव्यूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ओव्यूल ऑल्सो कॉल्ड एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। यही नहीं था, नहीं था यही, यही नहीं था, नहीं था यही मेगास्पोरेंजियम ऑफ टेरिडोफाइटा। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा थे ना, सिलेजिनेला सेल्विनिया, उनके पास यही कवरिंग, स्पेशल कवरिंग नहीं था। बात क्लियर है? तो ये था ओव्यूल। अब इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। तो ये है एक ओव्यूल, ये है क्या जल्दी से बताइए, एक ओव्यूल। एक ओव्यूल में ये यहां पर मैंने सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाया, रेस्ट ऑफ आजू बाजू बाजू आजू के सेल, आजू बाजू के सेल दे आर नॉर्मल न्यूसलस सेल, दे आर नॉर्मल स्टेराइल सेल। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड फर्टाइल, फर्टाइल सेल ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। रेस्ट ऑफ सेल्स दे आर स्टेराइल न्यूसेलस सेल्स, स्टेराइल न्यूसेलस सेल, ये जो आजू बाजू के सेल्स हैं दे आर स्टेराइल न्यूसेलस के सेल्स, ठीक है। सो न्यूट्रिशनली सिंगल सेल को डोमिनेट किया जाएगा एज कंपेयर टू अदर सेल ऑफ न्यूसेलस, ये सेल को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। बेसिकली माइक्रोपाइल की तरफ ये सेल मिलता है जो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ। अब देखिएगा ये यहां पर मेगास्पोर मदर सेल ई है डिप्लॉइड will go for meiosis. Meiosis results in formation of four haploid megaspores collectively called megaspore tetrad, called megaspore tetrad, megaspore tetrad. तो यहां पर यह है ओव्यूल, ओव्यूल में मियोसिस के बाद बने चार मेगास्पोर एक ही लाइन में, चारों मेगास्पोर को कलेक्टिवली हमने नाम दिया मेगास्पोर टेट्राड, तीन मेगास्पोर बेसिकली नॉर्मली जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड गेट डीजनरेटेड, ठीक है।
तो ये है मेगास्पोर टेट्राड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझिएगा। 3 मेगास्पोर्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड मतलब ई वाला एंड माइक्रोपाइल कंसीडर हो रहा है, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ के 3 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेटेड हार्मोनली एंड जेनेटिकली इनको मार दिया जाएगा, डीजनरेटेड। एक ओव्यूल एक ही सीड बनाता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए, एक एम्ब्रियो बनाने के लिए एक ही जाइगोट होना चाहिए, एक जाइगोट बनाने के लिए एक ही फीमेल गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट बनता है एक आर्चिगोनियम के अंदर, एक आर्चिगोनियम के लिए एक ही एंडोस्पर्म होना चाहिए, एक एंडोस्पर्म डेवलप होता है एक मेगास्पोर से, तो बाकी 3 मेगास्पोर की जरूरत क्या। आगे भी मैं ये पंचलाइन यूज करूंगा, 3 डीजनरेटेड लेफ्ट 1 मेगास्पोर कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। क्या मैं फंक्शनल मेगास्पोर, क्या मैं फंक्शनल मेगास्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोलूं, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड है ना, इसके पहले जितने भी वो चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो, न्यूसेलस हो, ओव्यूल हो, एंटेगमेंट हो, सब के सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात समझिएगा प्लीज। तो ये यहां पर है ओव्यूल, बताओ तो सही ओव्यूल कहां पर है, बोलो तो सही, यहां पर है, ये यहां पर है ओव्यूल। माइक्रोपाइल साइड के 3 मेगास्पोर्स टपक गए और लेफ्ट 1 मेगास्पोर रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल मेगास्पोर। तो ई है 3 डी जनरेटेड मेगास्पोर्स, 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर्स एंड ई है फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगा। मुझे बताओ फंक्शनल मेगास्पोर के आजू बाजू में क्या है, ये आजू और आजू बाजू में क्या है, स्टेराइल नॉर्मल न्यूसेलस के सेल। बार बार क्यों रिमाइंड करवा रहा हूं, स्टेराइल न्यूसेलस के सेल आगे मैं डिस्क्लोज करूंगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर इट विल परफॉर्म, फंक्शनल मेगास्पोर परफॉर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्यू माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर रिड्यूस्ड, नॉट इलेबोरेटेड, रिड्यूस्ड मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे जो है माइक्रोस्पोर ने अपने आप को पहले तो मॉडिफाई किया पॉलन ग्रेन में, फिर उसने 4 बार माइटोसिस करके 5 सेल का मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाया जिसमें 2 मेल गैमेट थे, वैसे ही यहां पर जो है मेगास्पोर माइटोसिस करेगा, फिर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, करेगा, करता जाएगा और मल्टी सेलर रिड्यूस्ड मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और नाम रखेंगे एंडोस्पर्म, कॉल्ड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो सुनिएगा यहां पर एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म 2 काम कर रहा है, एंडोस्पर्म की स्टोरी एंजियोस्पर्म में बदल जाएगी, इसलिए मैं आपको जोर दे के बताना चाहूंगा कि एंडोस्पर्म ये फीमेल गैमेटोफाइट के जैसा एक्ट कर रहा है, एंडोस्पर्म में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू के जैसा भी काम करेगा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म केवल केवल और केवल सिर्फ केवल न्यूट्रिटिव टिश्यू के जैसा काम करेगा, ट्रिप्लॉइड होगा, बताएंगे हम आपको। तो सुनिएगा यहां पर इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म
एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम एंड ऑल्सो एंड एग सेल। प्रश्न ये का एंडोस्पर्म ऑल्सो एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू जो जायगोट या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में, नाम दिया एंडोस्पर्म। मल्टीसेलुलर रिड्यूस्ड टाइप का है, इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज, ये है ओव्यूल। फंक्शनल मेगास्पोर साइज में ग्रो किया, फंक्शनल मेगास्पोर ने, फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाए, माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाए अपने अंदर। मेरी बात थोड़ा समझिएगा। नाउ इन सेल्स के बीच में डेवलप होगा वैक्यूल और वैक्यूल एनलार्ज होगा, ध्यान से समझिएगा सुनते जाइएगा। ये यहां पर है ओव्यूल। फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो किया है साइज में, माइटोसिस कर करके बहुत सारे सेल्स बनाया है, सेल्स के बीच में वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हुआ दैट रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और इस शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टुवर्ड्स पेरिफेरी की वजह से टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल कुछ सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लिए आर्चिगोनियम में, बाकी के सेल्स दे रिमेन एज इट इज। सो फ्यू सेल्स मॉडिफाइड इनटू आर्चिगोनियम या डेवलप्ड इनटू आर्चिगोनियम एंड फ्यू से बाकी रेस्ट ऑफ द सेल दे रिमेन एंडोस्पर्मिक सेल्स। आर्चिगोनियम के अंदर मैं बना रहा हूं, डेवलपमेंट हुआ है एग सेल का, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर है वैक्यूल, ये यहां पर है सेल्स। वैक्यूल एनलार्ज्ड, तो ये है न्यूट्रिटिव टिश्यू या न्यूट्रिटिव सेल्स बोल सकते हो। ये यहां पर है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया टू और मोर इन नंबर लीड सेल्स एनसीसी एब्सेंट है, वन वीसीसी एंड वन एग सेल, ठीक है, वन बीसीसी वन एग सेल। नाउ फंक्शनल मेगास्पोर अपने आप को एनलार्ज किया, माइटोसिस किया, फिर माइटोसिस किया, फिर माइटोसिस किया, माइटोसिस कर करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में आया, वैक्यूल बना, वैक्यूल ने उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में सारे सेल्स को पेरिफेरी पर शिफ्ट किया। बाद में वैक्यूल डीजनरेट भी हो जाएगा, वैक्यूल परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, बाद में डीजनरेट हो जाएगा। फ्यू सेल्स शिफ्टेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, फ्यू सेल्स shifted towards microphyle, develop into archegonia. The rest of cells they called as nutritive cells. Archegonia or nutritive cell या पूरा structure collectively called endosperm. Called endosperm haploid है, कैसा है haploid है और है female gametophyte. Female gametophyte. ठीक है, आर्चिगोनियम थोड़ा सुनिएगा, सेल्स शिफ्टेड, फ्यू सेल्स शिफ्टेड
टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल डेवलप इंटू आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल है। बात क्लियर है? सो मेगास्पोर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और जैसे मैंने बोला गैमेटोफाइट, तुरंत आप क्या बोलोगे, ये तो गैमेट बनाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द नेम ऑफ आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या मैं बोलू अब फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो चुका है? यस और नो प्लीज। तो यहां पर एग सेल रेडी, और हमने विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन को फॉल डाउन करा दिया है। तो यहां पर हमने फीमेल की, दुनिया में फीमेल गैमेट बनाने तक की स्टोरी, फीमेल स्पोरोफाइट साइकस, फीमेल लैक्स, देन मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के पास एंटेगुमेंट था इसलिए हमने ओव्यूल नाम दिया, ऑर्थोप्रोपस ओव्यूल, न्यूसिलस में एक मेगास्पोर, मदर सेल चार मेगास्पोर, तीन टपक गए, एक फंक्शनल माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, वैक्यूल का फॉर्मेशन, शिफ्टिंग ऑफ सेल टुवर्ड्स पेरिफेरी, माइक्रोपाइल का सेल, कुछ सेल कन्वर्ट हुए आर्चिगोनियम में, रेस्ट ऑफ सेल न्यूट्रिएटिव सेल रिप्रेजेंटिंग एंडोस्पर्म द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, एग सेल रेडी, और चार डिवीजन इन द पॉलन ग्रेन के बाद दो सिलिएटेड टॉप शेप लार्जेस्ट मेल गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, यहां पर पॉइंट हम लगे हाथ मेंशन भी करना चाहेंगे, इन साइकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से नहीं कान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, इन साइकस ओव्यूल इज लार्जेस्ट। ठीक है, साइकस में मेल कोन लार्जेस्ट होता है, ओव्यूल लार्जेस्ट होता है, मेल गैमेट भी लार्जेस्ट होता है और फीमेल गैमेट भी लार्जेस्ट होता है। फीमेल गैमेट इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट मेल कोन, लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट एग सेल, ओवम सेल, फीमेल गैमेट, लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस के पास है। साइकस रेवोलुटा करके स्पीसीज आता है, REVOLUTA, ठीक है, मेंशन कर देंगे जहां पर जरूरत होगा। फीमेल कोन तो बोल नहीं सकते क्योंकि फीमेल कोन ना होके फीमेल लैक्स होता है, याद रखिएगा, साइकस के पास फीमेल कोन नहीं, फीमेल लैक्स, इरेज कर रहा हूं। स्टार्ट करता हूं फर्टिलाइजेशन के बारे में, पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल पहुंच चुका है, ओव्यूल में एंडोस्पर्म में आर्चिगोनिया में एग सेल रेडी हो चुका है। सो स्टार्ट करता हूं यहां पर फर्टिलाइजेशन, थोड़ा समझिएगा, पॉलन ग्रेन जो पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल में पॉलिनेट हुआ है, इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर ईयर्स, कहीं कहीं पर 13 मंथ तक पॉलन ग्रेन डोरमेंट रह सकता है थ्री सेल्ड स्टेज में, या पॉलन ट्यूब बना चुका है, मेल गैमेट नहीं बना है। थोड़ा हम बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स फॉल इन पॉलन चैम्बर, इन पॉलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल एंड मे रिमेन इनएक्टिव या डोरमेंट अप टू 13 मंथ्स या 1 ईयर। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन
पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड्स टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। And pollen tube formed during pollen grain germination will transport male gametes and discharge at the tip of आर्चिगोनियम। वैसे तो दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनियम बन रहे हैं एक एंडोस्पर्म के अंदर। हर एक आर्चिगोनियम में एक एग सेल है, तो दो या दो से ज्यादा एग सेल होंगे, बट किसी एक आर्चिगोनियम के अंदर ही मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर रिलीज होगा। और थोड़ा सुनिएगा, पहले भी मेंशन कर चुका हूं, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स only one fuses with egg cell to form zygote, and other male gamete degenerated। Everything controlled by hormones and genes, genetically and hormonally controlled। दो गैमेट में से केवल एक ही गैमेट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। थोड़ा सुनिएगा, here there is no use of water for transport of male gamete, but point ये है कि साइकस में मेल गैमिट मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है। मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेम टर्म है। सो साइकस में मेल गैमिट फ्लैजिलेटेड है, सो ज्वाइडोगैमी और पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट का आर्चिगोनिया के टिप तक पहुंचाना साइफोनोगैमी। थोड़ा सुनिएगा, इन साइकस एज मेल गैमिट इज सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। एज मेल गैमिट इज सिलिएटेड, दस ज्वाइडोगैमी अकर। स्पेस लेके आगे और कंटिन्यू करता हूं, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं आगे बोल रहा हूं। मेल गैमिट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्यूब लाइक पॉलन ट्यूब, दस रिप्रेजेंट्स साइफोनोगैमी। ठीक है, सो इन साइकस बोथ ज्वाइडोगैमी एंड साइफोनोगैमी टेक प्लेस। मोटाइल मेल गैमेट साइकस में है, और एक और प्लांट मेंशन करना चाहूंगा, जिंगो में भी मोटाइल मेल गैमेट होता है, इंक्लूडिंग साइकस फ्लैजिलेटेड
मेल गैमेट, फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट ऑल्सो फाउंड इन जिंगो बाइलोबा प्लांट, बाइलोबा प्लांट। और ये प्लांट रिप्रेजेंट करता है हायर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म। कर सुनेगा, जनरली इन हायर जिम्नोस्पर्म, जनरली इन हायर जिम्नोस्पर्म फ्लैजिला बेटर टू से सीलिया आर एब्सेंट इन मेल गैमेट्स, इन मेल गैमेट्स। दस ओनली साइफोनोगैमी टेक प्लेस, साइफोनोगैमी टेक प्लेस। और एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, हायर जिम्नोस्पर्म में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नॉट हायर जिम्नोस्पर्म, नीटेल्स, जिसमें नीटम, इफेड्रा और वेलवेसिया तीन प्लांट आते हैं जो नियरर टू एंजियोस्पर्म कंसीडर होता है। इन नीटेल्स ऑर्डर है दैट रिप्रेजेंट हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म, मोस्ट इवॉल्व्ड जिम्नोस्पर्म, रिप्रेजेंट नियरर टू द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। इन नीटेल्स आर्चिगोनियम, इन नीटेल्स आर्चिगोनियम एब्सेंट। आर्चिगोनियम साइकोडेल्स में रहेगा, कोनिफेरल्स में रहेगा, जिंगल्स में भी रहेगा, चार ऑर्डर की बात मैं आगे करूंगा क्लासिफिकेशन के समय। नीटेल्स एक हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म कंसिडर हो रहा है, उसमें आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट इफेड्रा। सो नीटम वेलवेशिया में आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है, हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट करते हैं नीटेल्स, इफेड्रा में प्रेजेंट होता है। सो ये रहा द थियोरेटिकल फर्टिलाइजेशन, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, देखिए थोड़ा इधर, ये है ओव्यूल, यूनिटेगमिक ओव्यूल, ट्राई लेयर्ड ओव्यूल है यहां पर। ये मैंने कंसीडर किया एंडोस्पर्म में, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया आर्चिगोनियम के अंदर, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया एग सेल का न्यूक्लियस या एग सेल, जनरली न्यूसिलस अराउंड द एंडोस्पर्म न्यूसिलस है, और न्यूसिलस के ऊपर का पार्ट पॉलन चैम्बर है, पॉलन चैम्बर में है पॉलन ग्रेन, ये मैंने कंसीडर किया पॉलन ग्रेन। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, एग्जैक्ट थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना रहा हूं। सो ये है पॉलन चैम्बर हैविंग पॉलन ड्रॉपलेट्स which laterally dries up। ठीक है, ये यहां पर हमने बनाया पॉलन ग्रेन ऑन फेवरेबल कंडीशन या इनफेवरेबल कंडीशन, पॉलन ग्रेन इन फेवरेबल कंडीशन performs further mitosis to produce ciliated male gametes, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बना,
एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है और एंडोस्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये यहां पर एग सेल है, ये रिप्रेजेंट हुआ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। सो पॉलिनेशन के बाद का स्टोरी मैंने यहां पर समझा दिया। पॉलिन ग्रेन में दो मेल गैमेट है, ये इमेजिन करना है, डायग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए क्या होगा आगे, यहां पर आगे यहां पर यह है ओव्यूल, यूनिटेगमिक ट्राइलेयर्ड ओव्यूल है, यहां कहीं पर है पॉलन चैंबर का एरिया, आजू बाजू में न्यूसिलस के सेल हैं और न्यूसिलस के सेल से सराउंड है ये फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनियम, टू या मोर आर्चिगोनियम रहेगा। मैं एक ही आर्चिगोनियम शो कर रहा हूं जिसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो सीधी सी बात है, यहां पॉलन चैंबर में जितने भी पॉलन ग्रेन फॉल डाउन हुए हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा, जो जो है स्ट्रॉन्ग पॉलन ग्रेन होगा, जो सबसे पहले पॉलन ट्यूब बना पाएगा, जो सबसे पहले पॉलन ट्यूब बना के पहुंच सकता है नियर द आर्चिगोनिया, उसी का मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा। सो ये पॉलन ग्रेन ने बनाया पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब ये जो एंडोस्पर्म के आजू बाजू में बाकी न्यूसिलस के सेल है उनके बीच में जो इंटरसेलर स्पेस होगा उस इंटरसेलर स्पेस के थ्रू ग्रो होता जाएगा, और पॉलन ट्यूब नियर द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब नियर द टिप ऑफ द आर्चिगोनिया पहुंच के मेल गैमेट और जो भी पॉलन ट्यूब में रहेगा वो डिस्चार्ज कर देगा, एक ही मेल गैमेट पहुंच पाएगा, दूसरा डीजनरेट हो जाएगा। बात समझिएगा, तो ई है यहां पर पॉलन ग्रेन, ई है यहां पर पॉलन ट्यूब, ई है यहां पर मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, और ई है एग सेल, ठीक है, और ई है आर्चिगोनियम, ठीक है, और ई है एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट। फाइनली मेल और फीमेल गैमेट इन द आर्चिगोनियम फ्यूज होंगे, तो यहां पर हुआ सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम। सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये है ओव्यूल, समझिएगा प्लीज, ये है ओव्यूल, ओव्यूल यूनिटेगमिक ट्राइलेयर्ड बना देते हैं, एंटेगमेंट कंप्लीट नहीं है, एक प्लेस पर पोर का फॉर्मेशन किया जिसको माइक्रोपाइल बोला। ये यहां पर है एंडोस्पर्म और यहां पर आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर बन गया जाइगोट, आर्चिगोनियम के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके बना लिए जाइगोट, ठीक है। तो ये यहां पर जाइगोट हो गया डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये हो गया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है, ये हो गया न्यूसिलस के सेल, ये हो गया एंटेगुमेंट, पूरा स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल। बात समझा, जाइगोट लेटरली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन की स्टोरी अभी अभी हमने फिनिश किया, ठीक है। सो न्यूसिलस के सेल तो आपको पता ही है ना, न्यूसिलस के सेल मतलब वो न्यूसिलस का वो एक सेल जो न्यूट्रिशनली डोमिनेट होके मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम किया था, उस एक सेल को छोड़ के बाकी सब तो न्यूसिलस के सेल्स हैं, स्टराइल सेल्स बोल सकते हैं क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम नहीं किए, तो ये न्यूसिलस है। आर्चिगोनियम जाइगोट फॉर्मेशन के बाद डीजनरेट हो जाएगा, ये पूरा स्टोरी है। ये यहां पर माइक्रोपाइल है, बात समझा, फर्टिलाइजेशन की स्टोरी समझा कि नहीं। सो बहुत सारे पॉलन ग्रेन पॉलन ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट है पॉलन चैंबर में फॉल डाउन हुए, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन फॉर मेनी मंथ, तो जो है पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में
या कहीं कहीं पर ऐसा मेंशन है कि जब पोलन ग्रेन वो फॉल डाउन होंगे पोलन चैम्बर में तो इनिशियली पोलन ट्यूब बनेगा। कौन बनाएगा यहां पर मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं, एंजियोस्पर्म में आएगा डिटेलिंग। वेल पोलन ट्यूब बनने के बाद रुक जाएगा फॉर ईयर्स, पोलन ट्यूब वाले स्टेज में ये पोलन ग्रेन अरेस्टेड रहेगा, बाद में जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब वो ये जो पैरेन्काइमेटस न्यूक्लियस के सेल्स के बीच बीच में स्पेस होगा इंटरसेलर स्पेस, उसके थ्रू ग्रो करते जाएंगे टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के टिप पर दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो सर्वाइव कर रहा है वो रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये फर्टिलाइजेशन तक की बात थी, अब मैं बात कर रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात क्लियर है, फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ। दो मेल गैमेट हैं, एक ही मेल गैमेट फ्यूज कर पाया, एंजियोस्पर्म में भी दो मेल गैमेट बनेगा, दोनों फ्यूज करेंगे, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग आएगा, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन ऑप्शन, डबल फर्टिलाइजेशन। दो देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमिट्स इन जिम्नोस्पर्म बट ओनली वन मेल गैमिट सर्वाइव पार्टिसिपेट इन सिनगैमी, दस डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सो इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ध्यान दीजिएगा यहां पर ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, इट इज नेकेड एक्सपोज्ड, नॉट प्रेजेंट इनसाइड fruit wall, ovule, it is also naked, exposed, not present inside ovary. तो ovary absent है ovule के around, तो seed के around fruit wall absent होगा, क्योंकि ovary ही fruit में या fruit wall में convert होता है। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर एंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, दो लेयर होता है आउटर टेस्टा एंड इनर सीड कोट टेगमेन। यहां जिम्नोस्पर्म में उतना डिटेल में टेस्टा और टेगमेन की बातें नहीं होंगी, एंजियोस्पर्म में आएगा। वेल जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है स्टेराइल सेल्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म, ठीक है, जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो क्या है, फ्यूचर स्पोरोफाइट प्रोजेनी प्लांट। जस्ट याद करने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर दे रहा हूं, इन साइकस देयर आर टू कॉटिलीडंस अटैच्ड विथ एम्ब्रियो। अब ये कैसे है, क्या है, डजंट मैटर, याद रखना होगा। और पाइनस में, इन पाइनस अप टू 13 कॉटिलीडंस प्रेजेंट, ठीक है। सो हमने यहां पर लाइफ साइकिल फिनिश कर लिया, ठीक है, क्या किसमें कौन कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे से मैंने मेंशन किया, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा और बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बात करते हैं लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन साइकस के लैंग्वेज में पूरा जिम्नोस्पर्म की स्टोरी जो है सेम हो जाएगा। तो साइकस
मेन प्लांट, इट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। साइकस के पास मेल और फीमेल कौन है? अच्छा, यहां पर मेल साइकस के पास मेल कौन और फीमेल साइकस के पास फीमेल कौन होगा, ये कॉमन सेंस है। तो साइकस में मेल प्लांट के पास मेल कोन और फीमेल प्लांट के पास फीमेल कोन, या स्टोबाइलस भी बोलते हैं। मेल कोन के पास है माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन के पास है, अच्छा एक मिनट, फीमेल कोन बड़ी बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, फीमेल लैक्स, बाकी जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोन बोल सकते हैं, तो फीमेल, ठीक है, यहां पर फीमेल कोन भी याद रखिएगा इन जनरल, बट साइकस में तो फीमेल लैक्स है। यहां पर है माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के पास है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल के पास है एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जिसको हमने ओव्यूल नाम दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम में है मेगास्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, बनेगा मेगा माइक्रोस्पोर और बनेगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन में और मेगास्पोर कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। पॉलन ग्रेन यहां पर फाइव सेल्ड रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है, फाइव सेल्ड पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंडोस्पर्म में होगा आर्चिगोनियम, एंडोस्पर्म में क्या होगा? आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा? एग सेल। फाइव सेल्ड पॉलन ग्रेन के पास डायरेक्टली दो मेल गैमेट होंगे, दो मेल गैमेट में मैं एक मेल गैमेट जो सरवाइव कर रहा है सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। अब होगा सिनगैमी, क्या हुआ? सिनगैमी, इसको हम फर्टिलाइजेशन भी नाम देते हैं, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट कन्वर्टेड इंटू एम्ब्रियो, ओव्यूल कन्वर्टेड इंटू सीड, और सीड बना लेगा नया प्लांट। यह है लाइफ साइकिल। इसमें मेन प्लांट डिप्लॉइड है, मेल और फीमेल कोन डिप्लॉइड है, माइक्रो और मेगास्पोरोफिल डिप्लॉइड है, माइक्रो और ओव्यूल, माइक्रोस्पोरेंजियम और ओव्यूल डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड, फाइव सेल्ड पॉलन ग्रेन, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड आर्चिगोनियम, हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड एग सेल, हैप्लॉइड जाइगोट फिर से डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, सीड डिप्लॉइड। जल्दी से हैप्लॉइड जो कि शॉर्ट लिविंग कंप्लीटली डिपेंडेंट ओवर पेरेंट स्पोरोफाइट को अलग कर लेते हैं, तो ये यहां से मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, और इस लाइन के बाहर है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कोई स्टोरी नहीं है जो हमने जिम्नोस्पर्म में बताया था, क्योंकि माइक्रोस्पोर कोई अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी तो बना नहीं रहा है। टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर या जो है नॉर्मल स्पोर वो प्रोथैलस बना रहा था, जो इंडिपेंडेंट सॉइल में ग्राउंड में बढ़ रहा था, तो वहां पर माइक्रोस्पोर ने बनाया प्रोथैलस। और फिर तो असेक्सुअल सेक्सुअल ऐसे स्टोरी हमने बताया था टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इट इज शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट लिविंग और कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट। तो देखिएगा, अगर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो मेन प्लांट एक,
कोन या लैक्स दो, स्पोरोफिल तीन, स्पोरेंजियम चार, स्पोर मदर सेल पांच, जाइगोट छह, एम्ब्रियो और सीड सात स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया डिप्लॉइड, माइक्रो और मेगास्पोर ए, फाइव सेल पॉलन ग्रेन और एंडोस्पर्म दो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तीन, आर्चिगोनियम एक, ठीक है तीन ही क्योंकि आर्चिगोनियम के पैरेलल है नहीं कुछ, तो हैप्लॉइड यहां पर तीन है याद रखिएगा प्लीज। सो यहां पर डिप्लॉइड मोर डोमिनेंट ठीक है, डिप्लॉइड मोर डोमिनेंट ओवर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कुछ ही हाईली रिड्यूस्ड, शॉर्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, यहां पर हुआ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड मोर डोमिनेंट है, हैप्लॉइड कुछ ही स्टेजेज में रिप्रेजेंट होके फिनिश हो गया, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टोरी फिनिश किया मैंने, पॉइंट समझा, साइकस के पास मेल और फीमेल साइकस, मेल साइकस के पास मेल कौन और फीमेल कौन, वो वाला स्टोरी हमने, बाकी यहां पर पाइनस होगा तो पाइनस तो पूरा का पूरा सेम टू सेम चलेगा, बात समझा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिम्नोस्पर्म में, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट स्टेजेस अल्टरनेट विद गैमेटोफाइट स्टेजेस अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट स्टेजेस अल्टरनेट, तो इसी को बोल रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट किंगडम में किसी भी प्लांट के पास दो जनरेशन होते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड और अल्टरनेट, इरेज कर रहा हूं इसको, बात थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की स्टोरी लाइफ साइकिल हमने फिनिश कर दिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म का जो मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया उसका, इस वीडियो लेक्चर में हमने साइकस के थ्रू डायग्रामेटिक बहुत सारे जो है पॉइंट को कनेक्ट किया हमने, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, नेकेड सीड, एवरीथिंग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बात कर रहा हूं एक नेक्स्ट हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, थ्री जनरेशंस ऑफ सीड या इन सीड, थ्री जनरेशंस इन सीड या ऑफ सीड, ऑफ सीड नहीं, थ्री जनरेशंस इन सीड। सीड क्या है? सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो देखिएगा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये सीड का आउटर कवर मैंने बनाया जिसको हमने बोला टेस्टा, सीड का मैंने इनर लेयर बनाया, इनर कवरिंग बनाया जिसको हमने बोला टेगमेन, ये यहां पर मैं छोटा सा पोर क्रिएट कर दे रहा हूं दैट रिप्रेजेंट माइक्रोपाइल, नीड रिटेंशन, ये सेंटर में है एंडोस्पर्म, सेंटर में है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के पास है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म के पास है एम्ब्रियो जो आर्चिगोनियम के अंदर बना था, आर्चिगोनियम बाद में डीजनरेट हो जाएगा और एंडोस्पर्म के बाहर जो न्यूक्लियस के बाकी सेल थे दे आर कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म, तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पेरिस्पर्म, बात समझिएगा। एंजियोस्पर्म के प्लांट में भी सीड में तीन जनरेशन होंगे, हाईलाइट करूंगा मैं यहां पर, तो थोड़ा देखिएगा यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया इस पार्ट को माइक्रोपाइल, ये है टेस्टा, ये है टेगमेन, कलेक्टिवली कॉल्ड सीड का कवर सीड कोट, ये है पेरिस्पर्म दैट रिप्रेजेंट मॉडिफाइड न्यूक्लियस, ठीक है, ये यहां पर हमने बनाया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म दैट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, देन ये यहां पर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एसोसिएटेड रहेगा कॉटिलिडन जो मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, और एम्ब्रियो जब सीड जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो
बनाएगा रेडिकल नीचे की तरफ और बनाएगा प्लूमूल ऊपर की तरफ जिसमें लीफ वगैरह आएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ तो ये बन गया रेडिकल और ऊपर बना प्लूमूल। बाकी हम जो है नहीं दिखा रहे क्योंकि बाकी जो है फिर बाद में सीड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाकी पार्ट को नहीं ले रहे हैं। तो सुनिएगा, टेस्टा टेगमेन जो सीड कोड है ये है मॉडिफाइड एंटेगुमेंट। क्या है? मॉडिफाइड एंटेगुमेंट। देखिए यहां पर जो मॉडिफाइड एंटेगुमेंट है ऑन द नेम ऑफ सीड कोड, एंटेगुमेंट किसको बिलोंग करता था? ओव्यूल को। और ये सीड कोड या एंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन पेरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो सुनिएगा, पेरिस्पर्म मॉडिफाइड न्यूक्लियस है ये दोनों स्ट्रक्चर, सीड कोड और पेरिस्पर्म। सीड कोड एंड पेरिस्पर्म दे आर रिप्रेजेंटिंग पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट्स, पेरेंट स्पोरोफाइट्स। ध्यान से समझिएगा, फीमेल लैक्स के एक्सिस पर था ओव्यूल, ओव्यूल के कवरिंग को एंटेगुमेंट नाम दिया, ओव्यूल के अंदर था न्यूक्लियस। तो ओव्यूल का ये ओव्यूल पेरेंट प्लांट को बिलोंग करता है, पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट को बिलोंग करता है। तो एंटेगुमेंट ही सीड में बना सीड को, न्यूक्लियस ही सीड में बना पेरिस्पर्म। तो क्या मैं बोलू पेरिस्पर्म और सीड को पेरेंट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, एंडोस्पर्म ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट है, इट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। और इसमें प्लूमूल, एम्ब्रियो और रेडिकल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट ऑफ प्रोजेनी प्लांट। ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट, क्या मैं इसको बोलू पेरेंट स्पोरोफाइट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ग्रैंड मदर से? नाउ एक इंटरमीडिएट जनरेशन आया, हैप्लॉइड जनरेशन आया एंडोस्पर्म के नाम पर, क्या मैं इसको मदर से कनेक्ट करूं, कंपेयर करूं? और इस मदर के पास फ्यूचर जनरेशन, क्या मैं इसको डॉटर जनरेशन रिप्रेजेंट करूं? तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड में टेस्टा टेगमेन और पेरिस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रैंड मदर या पेरेंट स्पोरोफाइट। एक बीच में दूसरा जनरेशन बना हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म जो दूसरा जनरेशन हो गया, और फ्यूचर का जनरेशन सी जो है एम्ब्रियो प्लूमूल और रेडिकल के थ्रू। बात समझा? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात करें तो उसके पास केवल दो जनरेशन होगा। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एंटेगुमेंट और न्यूक्लियस, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एंटेगुमेंट और न्यूक्लियस पेरेंट स्पोरोफाइट होंगे, और जो एंडोस्पर्म होगा उसमें अभी तो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट एम्ब्रियो बना नहीं है, एंडोस्पर्म में तो केवल आर्चिगोनियम और एग सेल है, तो केवल दो जनरेशन होगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैज टू जनरेशंस, हैज टू जनरेशंस। कौन कौन से? एक पेरेंट स्पोरोफाइट जनरेशन, एक है पेरेंट स्पोरोफाइट जनरेशन ऑन द नेम ऑफ एंटेगुमेंट, एंटेगुमेंट एंड न्यूक्लियस, एंटेगुमेंट एंड न्यूक्लियस, और दूसरा इंटरमीडिएट फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एंडोस्पर्म। सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नथिंग बट सीड के पास दो तीन जनरेशन है, पेरेंट स्पोरोफाइट, इंटरमीडिएट गैमेटोफाइट और फ्यूचर स्पोरोफाइट। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल के पास
पैरेंट स्पोरोफाइट एक जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरा अल्टरनेट जनरेशन आ रहा है एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पर इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसके अंदर जब जो है फर्टिलाइजेशन होगा एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एक सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज होगा जायगोट और एम्ब्रियो के नाम पर फ्यूचर का जनरेशन। तो थ्री जनरेशन इन सीड, समझा कि नहीं प्लीज, तीन जनरेशन कौन कौन से हैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, पक्का क्लियर है, पक्का, चले आगे, इरेज कर रहा हूं इसको। एक और हेडिंग की बात कर लेते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एम्ब्रियोनी रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म, पॉली एम्ब्रियोनी ये एंजियोस्पर्म में भी आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, वहां पर तो और ज्यादा डिटेल में आएगा। पॉली एम्ब्रियोनी, वैसे तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो बनता है, एक ओव्यूल में एक आर्चिगोनिया में एक एग सेल एक पॉलन ग्रेन के एक पॉलन ट्यूब के एक मेल गैमेट से फ्यूज करके एक एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन कभी कभी एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा ओव्यूल का बनना कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, ठीक है, प्रथम का पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस प्लांट, इन सिट्रस प्लांट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल भी देखा था, ठीक है, सुनेगा पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी इट रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ more than one embryos in single seed, single ovule या seed बोलते हैं, ठीक है, ovule, एक ovule में एक से ज्यादा embryo बनना या एक seed में एक से ज्यादा embryo बनना is called polyembryony, abnormal condition है, sexual reproduction in flowering plant 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में और डिटेल में बातें करेंगे, थोड़ा सुनिएगा, तीन टाइप का हो सकता है ये पॉली एम्ब्रियोनी, तीन टाइप का हो सकता है ये, जैसे एक एम्ब्रियो बना वैसे ही सेम मैनर में उसी सेम ओव्यूल में, एक ओव्यूल में जैसे एक एम्ब्रियो बना उसी सेम मैनर में एक से ज्यादा ओव्यूल का बनना सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। देन है एक क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी इट रिप्रेजेंट ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, और एक है एडवेंटिव, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। थोड़ा सुनिएगा, एम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बना, एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल ने बनाया एक मेगास्पोर, ने बनाया एक एंडोस्पर्म, एक मेगास्पोर एक एंडोस्पर्म बनाया, एक एंडोस्पर्म में एक आर्चिगोनिया में एक एग सेल, अब पॉलन चैंबर में एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके एक पॉलन ट्यूब और वही एक पॉलन ट्यूब आर्चिगोनिया के टिप पर एक मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया, एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज करके एक एम्ब्रियो बना लिया, एक एम्ब्रियो बना लिया, यह था नॉर्मल कंडीशन। अब इसी को एक से ज्यादा कर दो, वेल स्टोरी यहां पर ऐसा होगा और आगे जाके ये सेम स्टोरी चेंज भी हो सकता है। वेल एक एंडोस्पर्म में एक से ज्यादा आर्चिगोनिया होता है ना, पॉलन चैंबर में एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन फॉल डाउन होता है ना, तो एक एंडोस्पर्म में एक आर्चिगोनिया में सॉरी एक से जो ज्यादा आर्चिगोनिया है, हर एक आर्चिगोनिया में जो एक एक एग सेल है, एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन पॉलन चैंबर में पॉलन ट्यूब बनाए और एक से ज्यादा, सो मोर देन वंस जो होगा वो सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे एक एम्ब्रियो बना वैसे एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए। तो मैंने यहां पर बोला जो है यहां पर इन एंडोस्पर्म,
इन एंडोस्पर्म देयर आर मोर देन टू आर्चिगोनियम या मोर देन टू एग सेल्स. फॉर एग्जाम्पल हम पाइनस की बात कर सकते हैं, पाइनस में 2 to 8 एग सेल होता है. फॉर एग्जाम्पल पाइनस में 2 to 8 आर्चिगोनिया, 2 to 8 आर्चिगोनिया, तो 2 से 8 एग सेल भी होगा. थोड़ा सुनिएगा, मोर देन 1 पॉलन ग्रेन फॉर्म्स मोर देन 1 पॉलन ट्यूब्स. मोर देन 1 मेल गैमेट्स फ्यूज्ड विथ मोर देन 1 एग सेल्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 जाइगोट डैश एम्ब्रियो. मोर देन 1 जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मोर देन 1 एम्ब्रियोस. सिंपली एक बार जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वैसे एक से ज्यादा बार फर्टिलाइजेशन. अलग अलग आर्चिगोनिया के पास अलग अलग पॉलन ट्यूब आए जो अलग अलग मेल गैमेट लेके आ रहा है. आर्चिगोनिया में अलग अलग एग सेल है. समझा? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ, सिंगल जाइगोट आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस. पहला माइटोसिस होगा जिसको क्लीवेज डिवीजन भी बोलते हैं. जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो पहला माइटोसिस जिसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, सिंगल जाइगोट फर्स्ट माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू इंडिपेंडेंट सेल्स और बोथ सेल्स सेपरेटली डेवलप इनटू टू एम्ब्रियोज. तो हमने ऐसे टाइप के एक से ज्यादा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, स्टोरी एक बता देता हूं आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको और अच्छे से समझेगा. यू जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी होता है. अब एक ओवरी पहले मंथ एक एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, एक स्पर्म सेल फ्यूज हुआ, एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो, एक बच्चा बना. ऐसे में कभी कभी एक ही मंथ में दोनों ओवरीज ने एक एक एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया. दोनों एग सेल को 2 मेल गैमेट फ्यूज कर गए तो 2 जाइगोट 2 एम्ब्रियो 2 बच्चे बनेंगे. इसी को हमने सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी बोला. दूसरा, अच्छा ये जो दोनों ओवरीज ने एक ही समय 2 एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, दोनों एग सेल को 2 डिफरेंट मेल गैमेट ने फ्यूज किया, 2 जाइगोट 2 एम्ब्रियो 2 प्रोजनी बना, इसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस नाम देते हैं. अब कभी कभी क्या होता है, एक ओवरी से एक एग सेल आया फैलोपियन ट्यूब में, एक मेल गैमेट उसको फ्यूज किया, एक जाइगोट बना, उस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन करके 2 सेल बनाया, दोनों सेल इंडिपेंडेंटली 2 प्रोजनी में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस नाम देते हैं. वही तो यहां पर हो रहा है. जैसे एक प्रोजनी बनता है वैसे एक से ज्यादा. जाइगोट ने 2 इंडिपेंडेंट सेल बनाया पहला डिवीजन करके, माइटोसिस बोलो या क्लीवेज डिवीजन बोलो, और दोनों सेल ने इंडिपेंडेंटली 2 एम्ब्रियो बना लिए, तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, एडमेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ह्यूमन के लैंग्वेज में नहीं होता है, यहां पर हम बोल सकते हैं स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल. स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल जैसे एंटेगुमेंट सेल्स या न्यूसिलस के सेल डायरेक्टली डेवलप्स इनटू
डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हम बोलते हैं एडिशनल एम्ब्रियो। नॉर्मल एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, एडिशनल एम्ब्रियो बन रहा है वो भी ऐसे सेल से जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो ओव्यूल में जो न्यूक्लियस के डिप्लॉइड सेल्स हैं या एंटेगुमेंट में जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो माइटोसिस कर करके बना ले एम्ब्रियो, ऐसे एम्ब्रियो को हम असेक्सुअल एम्ब्रियो बोलते हैं। आगे आएगा ट्वेल्थ में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। फिर सुनिएगा, सेल्स कॉल्ड रोजेट सेल, सेल्स कॉल्ड रोजेट सेल्स, द न्यूक्लियस का वह सेल, एंटेगुमेंट का वह सेल जो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, एडिशनल एम्ब्रियो बनाए, असेक्सुअल एम्ब्रियो बनाए न्यूक्लियस के उस एंटेगुमेंट के उस सेल्स को हम रोजेट सेल नाम देते हैं। तो एक्स ज्यादा एम्ब्रियो ऐसे ऐसे और ऐसे बन सकता है, इसको हमने बोला पॉलीएम्ब्रियोनिक। पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस प्लांट में लेमन या ऑरेंज, सिट्रस प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं, सिट्रस प्लांट में डिस्कवर किया। तो साइकस का लाइफ साइकिल अच्छे से फिनिश किया हमने, फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस थ्री जनरेशन पॉलीएम्ब्रियोनी रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म हो चुका। तो जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जनरल लैंग्वेज में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, डायग्राम के थ्रू साइकस का एग्जांपल लेके जिम्नोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल स्टोरी, फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पॉलीएम्ब्रियोनी थ्री जनरेशंस ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड, टू जनरेशंस इन द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल फिनिश किया। इस वीडियो लेक्चर में जिम्नोस्पर्म की स्टोरी में मैं यहां तक ही बात करना चाहूंगा, आगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे। सल्फर सावर एक टर्म है जो मैं नहीं बता पाया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी टाइम खींच जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात मुझे करना है, सल्फर सावर की बात करना है, कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे, ज्यादा लंबा अब नहीं खींचूंगा मैं जिम्नोस्पर्म को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिम्नोस्पर्म फिनिश करके लास्ट मोस्ट एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म की स्टोरी में चालू करूंगा। कोई भी छोटा छोटा मोटा खोटा, छोटा छोटा मोटा खोटा, रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए प्लीज, बाकी लोगों को रिकमेंड करिए जूनियर और सीनियर को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से जुड़ने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।